इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। कंसिडरेशन क्या है और फिर उसके इंसेंशियल रूल्स क्या है। सेक्शन 2D नॉर्मली मैं कैसे याद रखता हूं, इसका लेटर क्या है बताओ। स्टार्टिंग लेटर सी, सी के बाद वाला लेटर कौन सा है बताओ। डी, समझ में ना। नाउ तुम बोलोगे सेक्शन लिखने का फायदा क्या होता है। एक तुम्हारा तो बिजनेस टैक्सेशन फोर्थ सेमेस्टर में हुआ है, मेरा ICW का एग्जाम चल रहा था और मैंने ना बहुत सारे सेक्शन लिखे थे। ICW में 75 इनकम टैक्स में खुद आसानी से मिलता नहीं है, तो मुझे लगता है सेक्शन का बहुत बड़ा हाथ था वो स्कोरिंग का। और डिटेल में भी जो इनकम टैक्स में, तो मैंने कम से कम 40 सेक्शन डाले थे। तो तुमको बिजनेस लॉ में अच्छे मार्क्स लाने हैं क्योंकि 98% लोग सेक्शन लिखेंगे नहीं, पर तुमको लिखना चाहिए। एक और लॉजिक बता देता हूँ, याद है कल हमने देखा था ऑफर वॉज 2A, एक्सेप्टेंस वॉज 2B, इतना मतलब ऐसे कुछ सेक्शंस याद रखो जो बार बार आएंगे तो तुमको इजी जाएगा। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको मैं हटा देता हूँ और फिर विल गो टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस पार्ट। ओके, वी आर रेडी नाउ। नाउ इसका पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा। इसका डेफिनेशन, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।